नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नीट परीक्षा 2024 में आकाश इंस्टीट्यूट के सफल हुए विद्यार्थियों के लिए वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैसेज यहाँ पे सिंपल है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हम यहाँ पे जो आरएम के बच्चे रेगुलर मेडिकल जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया 650-640 नंबर के बावजूद उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है, उनके साथ उनकी मन की व्यथा वो सबसे ज्यादा तकलीफ उनको, क्योंकि पिछली बार 615-20 से सेलेक्ट हो चुके और इस बार 630-40 ऐसे पर्याप्त नंबर है। जो भी स्टूडेंट है जिनको इस बार 12th में और एग्जाम देने हैं अगली बार 2025, एक बात की 100% है, 100% ये बात मान लो कि नीट में जितने कलंक लगने थे वो हो चुका, जितने मंथन होने थे हो चुके, लेकिन जैसे कभी भी किसी मंथन के बाद सागर मंथन के बाद अमृत आता है, दोबारा कभी भी ऐसी कुछ चीजें नहीं होंगी। तो आने वाला दौर, आने वाला साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अनसक्सेस है सफलता, हम असफल हैं। देखो असफलता दिखाती है कि कुछ तो कमी रह गई। कुछ कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्योंकि अगर हम अनसक्सेस हैं तो कमी है, कुछ कमी है, लैकिंग है, हमने प्रयास कर मन से नहीं किया, फिर वही चीज असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आपको एक मिनट की एक क्लिपिंग जो पिछले साल हमने रोड शो भी किया था, क्योंकि बनारस की हिस्ट्री के लिए अद्भुत था, मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहता हूँ। एक्साइटमेंट लेवल देखिएगा, आपके बीच के बच्चे थे, बहुत से बच्चे इसमें विटनेस थे, तो एक बार पिछले साल का रोड शो की एक क्लिपिंग देखते हैं।
पहला प्रयास अद्भुत है, इसको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों से मिले। रुद्राक्ष में पिछले 4 सालों से हर वर्ष हम नीट का फेलिसिटेशन करते हैं और ये चौथा है 2021 में जब से रुद्राक्ष बना। पहली बार 2021 में 120 बच्चे सेलेक्ट हुए नीट में, 2022 में 201 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 2023 यानी पिछले वर्ष 302 सिलेक्शन के साथ एक रिकॉर्ड बना था और इस बार 325 बच्चे हमारे यहाँ से 640 से ज्यादा अंक ला के सेलेक्ट हुए हैं और ये एक परंपरा और ट्रेडिशन हो चुका है। बनारस के साथ साथ रुद्राक्ष भी हम लोग के साथ एक इमोशनल कनेक्शन इस हॉल इस ऑडिटोरियम का है। यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।
और इसके साथ ही साथ मेरी तरफ से इन सभी को, इनके गार्जियंस को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा माहौल था, बच्चों ने जो प्रोग्राम में फेलिसिटेशन किया, जो सेलेक्ट हुए बच्चे उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जो टॉपर बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं है लेकिन इन्होंने कई ऐसे मार्मिक पहलुओं पे अपनी अभिव्यक्ति दी, परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने एक मैसेज दिया, जो इस बार आरजे कर में घटना हुई है उसको भी इंडिकेट किया और हम देश के, समाज के एक अच्छे डॉक्टर और नागरिक रहे इसका कमिटमेंट लिया। मैं आनंद प्रकाश पांडे, सेंटर डायरेक्टर वाराणसी सेंटर, आकाश इंद्रजीत भाई जी, आज हम लोगों ने नीट 2024 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया। एक बहुत ही अच्छा फंक्शन था, लगभग हम लोगों ने इसमें 325 बच्चों को फेलिसिटेट किया जिनकी रैंकिंग 22,000 तक है ऑल इंडिया रैंक। धन्यवाद आनंद जी। जो भावी चिकित्सक बनने जा रहे हैं इनको क्या संदेश आपका है? इनको संदेश यही है कि ये अपने लाइफ में आगे बढ़े, जितना इनोवेटिव ये मेडिकल साइंस में कर सकता है उतना इनोवेटिव काम करें। और नीट के अनुसार इस बार तो थोड़ा जो भी प्लस माइनस था पूरे देश ने देखा, जो कॉलेजेस इनको मिले उस कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करें और आगे अपनी पीजी की प्रिपरेशन में जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। वृंदा सुरेखा हूँ, मेरे 670 मार्क्स आए हैं नीट में और आज यहाँ पे मैंने प्रस्तुति की जिसमें मैंने कृष्ण जन्म लीला को दिखाया, उनका पूरा जन्म से जब वो महाभारत में उनका जो रोल था, तो मुझे करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बहुत भाग्यशाली हूँ करती हूँ कि मैं मुझे मौका मिला।